हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चे, आज करेंगे नाइन्थ क्लास का नेक्स्ट टॉपिक, करेंगे सेवन चैप्टर का, दैट इज अ पॉरीफेरा। जो पॉरीफेरा है बच्चे, वो एनिमल किंगडम का पार्ट है, ठीक है। इससे पहले जो इस चैप्टर में जो भी टॉपिक किए हमने, जैसे थैलोफाइटा हो गया, जिम्नोस्पर्म हो गया, एंजियोस्पर्म हो गया, दैट ऑल आर इंक्लूडेड इन प्लांट किंगडम। लेकिन आज जो स्टार्ट करेंगे वो हम एनिमल किंगडम के साथ जो भी टॉपिक्स हैं, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स हैं, वो स्टार्ट करेंगे, जिसमें से सबसे पहला जो टॉपिक है हमारे पास पॉरीफेरा है, ठीक है। पॉरीफेरा विच इज इंक्लूडेड इन द एनिमल किंगडम। तो एनिमल की कैटेगरी के बीच में जो भी ऑर्गेनिज्म आएंगे, फाइलम आएंगे, वो करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है पॉरीफेरा, जो आज डिस्कस करेंगे। तो बच्चे, ये जो पॉरीफेरा के अंडर जो भी ऑर्गेनिज्म आएंगे वो है नॉन मोटाइल एनिमल्स, ठीक है। नॉन मोटाइल मीन्स मूव नहीं करते, चल फिर नहीं सकते। जो पंजाबी मीडियम वाले बच्चे हैं बच्चे, वो भी ध्यान से सुन लेना, तो वो अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, ठीक है। ध्यान से सुनना, ये नहीं कि हाँ कि बुकिश लैंग्वेज लिखनी है, ध्यान से सुनना, तो आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। तो फर्स्ट है, दीज आर द नॉन मोटाइल एनिमल्स। नॉन मोटाइल एनिमल्स मीन्स ये मूव नहीं करते, अटैच टू सम सॉलिड स्पोर्ट। जहाँ पर भी इसको सपोर्ट मिले, सॉलिड सपोर्ट मिले, वहाँ पर वो अटैच हो जाते हैं, वहीं पर ही रहते हैं, तो ये मूव नहीं करते। सो देयर आर पोर्स ऑल ओवर द बॉडी। फॉर एग्जांपल, ये पॉरीफेरा की बॉडी है, ठीक है, ये ऑर्गेनिज्म है, इसकी बॉडी के ऊपर पोर्स होते हैं। तो उसकी सारी की सारी बॉडी के ऊपर क्या होते हैं? पोर्स होते हैं। तो लिखा है ना, पोर्स ऑल ओवर द बॉडी। तो ऑस्टी आर प्रेजेंट ऑन द बॉडी थ्रू विच द वाटर एंटर्स टू द बॉडी। तो बच्चे, इसकी बॉडी के ऊपर ऑस्टिया प्रेजेंट है, कुछ पार्ट्स हैं इसके ऑस्टिया। तो इस ऑस्टिया की हेल्प से वाटर इसकी बॉडी के अंदर एंटर होता है। तो वन मार्क का क्वेश्चन हो गया ना, अगर आपको पूछ लिया वन मार्क में कि वो कौन सा नेम बताओ जिसकी हेल्प से, ठीक है, जो पॉरीफेरा है उसके अंदर वाटर की एंट्री होती है, तो आप क्या बोलोगे? ऑस्टिया। तो ऑस्टिया की वजह से, इसकी हेल्प से जो वाटर एंटर करेगा इसकी बॉडी के अंदर, सो दे आर कॉमनली कॉल्ड स्पॉन्जीज। तो इस पॉरीफेरा के अंदर आने वाले जो भी ऑर्गेनिज्म है उसको कॉमनली हम किस नेम से बुलाते हैं? स्पॉन्जीज। तो देयर इज नो हेड इन द स्पॉन्जीज, इसके अंदर कोई हेड नहीं होता। एंड स्पॉन्जीज आर मेनली फाउंड इन मैरीन हैबिटेट। तो बच्चे सभी लिख सकते हो कि जो स्पॉन्जेस हैं, ये वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, वो कहाँ पर मिलते हैं? मैरीन मींस सॉल्ट वाटर, ठीक है, जहाँ पर नमकीन हो, नमकीन पानी हो, वहाँ पर मिलेंगे। डिप्लोब्लास्टिक एनिमल। तो बच्चे, वन वन मार्क की डेफिनेशंस हैं। डाई मींस टू। डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स मीन वो वाले ऑर्गेनिज्म जो कितनी जर्म लेयर्स से बनते हैं? टू जर्म लेयर्स से। तो वन मार्क का क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी बच्चों को पता होना चाहिए, ठीक है। डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स मीन्स वो वाले ऑर्गेनिज्म विच आर मेड अप फ्रॉम द टू लेयर्स, टू जर्म लेयर्स। सो हियर द लास्ट है पॉइंट, माउथ एंड डाइजेस्टिव सिस्टम आर लैकिंग। इसके अंदर माउथ एंड डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता, एबसेंट होता है, ठीक है जी। तो आप अपनी वर्डिंग में जो पंजाबी मीडियम वाले बच्चे वो लिख सकते, नॉन मेटाइल मीन चल फिर नहीं सकते। और नेक्स्ट क्या है, इसकी बॉडी के ऊपर पोर्स होते हैं, ठीक है जी। ऑस्टिया मीन्स इसकी बॉडी के ऊपर क्या होता है? ऑस्टिया प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से पानी की एंट्री होती है इसकी बॉडी के अंदर, ठीक है जी। इसको कॉमनली हम किस नेम से बुलाते हैं? स्पॉन्जेस। इसके ऊपर ना ही हेड होता है, ना ही माउथ होता है, ना ही इसका प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ठीक है जी। मैरीन हैबिटेट्स में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मीन नमकीन पानी में। डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स मीन जो इसकी बॉडी है वो दो जर्म लेयर से बनी होती है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द पॉरीफेरा। तो नेक्स्ट वन है सिलेंट्रेटा। तो बच्चे, नेक्स्ट जो फाइलम होगा वो कौन सा होगा? सिलेंट्रेटा। तो अब हम देखेंगे इसके अंदर कौन से करैक्टर्स हैं। तो सिलेंट्रेटा में क्या है? दीज आर द एनिमल्स लिविंग इन द वाटर। तो ठीक है, सिंपल सी बात है, जो सिलेंट्रेटा के अंदर जो भी एनिमल्स आएंगे वो कहाँ पर रहते हैं? पानी में रहते हैं, वाटर में रहते हैं। देयर इज अ कैविटी इन द बॉडी, इसके अंदर कैविटी होती है, फॉर एग्जाम्पल खाली स्पेस होती है। द बॉडी इज मेड अप फ्रॉम द टू लेयर्स ऑफ सेल, ठीक है जी। ये भी डिप्लोब्लास्टिक हो गए, इसकी बॉडी भी कितनी लेयर से बनती है? टू लेयर से बनती है। तो नेक्स्ट वन है, वन मेकअप द सेल ऑन द आउटसाइड द बॉडी एंड अदर मेक्स द इनर लाइनिंग ऑफ द बॉडी। अब देखो, दो लेयर्स हैं, इसकी बॉडी दो लेयर से बनती है, तो क्या होएगा? तो जो एक लेयर है, मेड अप सेल्स ऑन द आउटसाइड द बॉडी, ठीक है जी,
तो एक लेयर बॉडी के आउटसाइड बनेगी और दूसरी वाली लेयर जो कहाँ पर बनेगी, इनसाइड द बॉडी, ठीक है जी। तो उसके बाद हम इसके अंदर एग्जांपल्स करेंगे, एग्जांपल जो है कौन सी, हाइड्रा एंड जेलीफिश एटसेट्रा। तो नेक्स्ट वन है हमारे पास प्लैटीहेलमिंथस। जो प्लैटीहेलमिंथस जो इसके अंदर बच्चे इस फाइलम के अंदर जो भी ऑर्गेनिजम्स आएंगे, नए नए ऑर्गेनिजम्स आएंगे, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, उसके करेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो लेट स्टार्ट विद दिस प्लैटीहेलमिंथस। जो इसकी जो बॉडी वो सॉफ्ट होती है, लिख सकते हो बहुत इजी है, जो इसकी बॉडी है वो सॉफ्ट है। और ये है ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, ट्राई मीन्स थ्री। जो इसकी बॉडी है वो कितनी जर्म लेयर से बनेगी, थ्री जर्म लेयर से बनेगी। तो आप लिखोगे कैसे, मेड अप ऑफ द थ्री जर्म लेयर्स। द बॉडी इज बायलेटरली सिमेट्रिकल, मीन्स द लेफ्ट एंड राइट हाफ ऑफ द बॉडी हैव द सेम डिजाइन, मीन्स ऐसे जो लेफ्ट और राइट जो साइड है इसके हाफ है, ठीक है, लेफ्ट और राइट हाफ है वो सेम डिजाइन की होंगे। तो बॉडीज बायलेटरल सिमेट्रिकल, तो बॉडीज फ्लैट एंड डॉर्सीवेंट्रल। तो सिंपल लिख दो कि जिसकी जो बॉडी वो फ्लैट है, ये हो गया डॉर्सीवेंट्रल। डॉर्सीवेंट्रल मीन्स, तो जैसे बच्चे आप सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं आपके हैंड की। तो जो हैंड है आपका, जो ठीक है हाथ है आपका, जो उसकी अपर सरफेस है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम डॉर्सल। जो नीचे वाली सरफेस है दैट इज कॉल्ड एज अ वेंट्रल। तो जहाँ पर आप मेहंदी वगैरह लगाते हो, ठीक है, जहाँ पर लाइंस हैं, ठीक है, तो दैट इज अ वेंट्रल सरफेस। जो उसकी अपर स्पेस होगी दैट इज कॉल्ड एज अ डॉर्सल, जो ऊपर वाली सरफेस, ठीक है ना, जहाँ पर आप नेल्स शो होते हैं, ठीक है, तो वो होगी डॉर्सल। तो नीचे वाली कौन सी होगी, वेंट्रल सरफेस। तो इसकी जो बॉडी है वो फ्लैट होगी, तो इसकी डॉर्सल वेंट्रल मीन्स इसकी दो साइड्स हैं, डॉर्सल एंड वेंट्रल। तो इसके अंदर जो रेस्पिरेशन है वो किसकी हेल्प से होती है, विद द हेल्प ऑफ बॉडी, क्योंकि इसके अंदर कोई स्पेसिफिक सिस्टम नहीं है। जैसे हमारी बॉडी के अंदर लंग्स हैं, नोज हैं, ठीक है, प्रॉपर सिस्टम है, लेकिन यहाँ पर इसकी बॉडी के अंदर कोई ऑर्गन्स नहीं है। दैट इज वाई जो इसकी रेस्पिरेशन होगी, सांस वगैरह लेते होंगे, ओ टू एंड सी ओ टू की जो एक्सचेंज होएगा वो कहाँ से होगी, बॉडी की सरफेस से। स्केलेटन इज लैकिंग, स्केलेटन मीन्स इसके अंदर जो बोन्स हैं, जैसे हमारे अंदर ना हड्डियों का ढांचा, बोन्स हैं हमारे, ठीक है, वो तो है, लेकिन जो ये वाले ऑर्गेनिजम्स हैं उसके अंदर स्केलेटन नहीं होता। तो एग्जाम्पल क्या करोगे, लिवर फ्लू। तो बच्चे ईजी है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या लिखोगे, बॉडी इसकी क्या होती है, सॉफ्ट होती है। तो इसकी बॉडी कितनी जर्म लेयर से बनती है, थ्री जर्म लेयर से बनती है। इसकी जो बॉडी वो क्या है, बायलेटरल सिमेट्रिकल होती है। उसके अलावा इसकी बॉडी क्या होती है, फ्लैट डॉर्सीवेंट्रल, ठीक है। जो इसकी रेस्पिरेशन है, ओ टू एंड सी ओ टू की जो एक्सचेंज होती है वो कहाँ से होती है, बॉडी की सरफेस से। स्केलेटन मीन्स जो इसके अंदर हड्डी है वो नहीं होती। एग्जाम्पल क्या करोगे, लिवर फ्लू। तो बच्चे पंजाबी मीडियम वाले को मैं बार बार यही बोल रही हूँ कि वो अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो। तो बच्चे ये वाले नोट्स अवेलेबल हैं, तो इतना है करना अपना, ठीक है। तो नाउ दिस इज द एंड ऑफ द टॉपिक, थैंक यू।